यह सुकाफा समन्या क्षेत्र जो कि जोरहाट और डेरगांव के बीचों बीच है मोहबंदा में, और ये हमारे आसाम के सबसे फर्स्ट अहोम किंग है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, गुड मॉर्निंग। राइट नाउ इट्स 13 इन द मॉर्निंग और डे 4 इन गोलाघाट। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग, आई होप यू गाइस डूइंग गुड। सो आज का प्लानिंग कुछ इस तरह है कि हम जाने वाले जोरहाट साइड, जोरहाट नहीं जाएंगे, जोरहाट नहीं पहुंचने से पहले एक अहोम किंगडम का सुकाफा म्यूजियम है वो कैप्चर करने की ट्राई करेंगे, बट हॉप फॉर द बेस्ट वो खुला रहे क्योंकि कोविड की वजह से वो बंद कर दिया गया था। अगर वो नहीं होता है तो डेरगांव के पास में एक शिव मंदिर है निगरेटिंग के, वो कैप्चर कर देंगे, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देंगे ब्लॉग पे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और वहाँ से आने के बाद हम सोच रहे हैं कि सिलोनीजन जाए या घर जाए, फुल कन्फ्यूजिंग में है। जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है पहाड़ साइड पे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा गर्म कपड़े भी फिलहाल के लिए है नहीं है, सिर्फ एक जैकेट है। तो हम सोच रहे कि जाए या ना जाए, अगर जाता हूँ तो आपको पता चल ही जाएगा। ज़्यादा स्पीड हो रहा है क्या? सो सॉरी फॉर दैट। चलिए फटाफट से हम रेडी हो लेते हैं, उसके बाद आपको ऑन द वे मिलते हैं। रुको रुको गाइस, आप लोगों को उससे पहले आपको हमारे मित्र लालू प्रसाद यादव से मिला देते। सो ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो कुछ बता दो हमारे सब्सक्राइबर मित्र के लिए कुछ दो शब्द। लाइक करिए, शेयर करिए, हमें लाइक नहीं करना चाहिए, हमें हमारा वीडियो को लाइक लाइक कीजिए, इनका शेयर कीजिए जितना हो सके। हाय गाइस। ऑलराइट गाइस, हम निकल चुके हैं, तो चलिए फटाफट चलते। हम पहुंचने वाले जस्ट यहाँ से 10 या 15 मिनट लगेंगे। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक, बहुत गंदी वाली ट्रैफिक था, और पता नहीं खुला होगा कि नहीं होगा, फिर भी चलिए चलते। और रास्ता बन रहा है इसलिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम है और धूल मिट्टी उड़ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली फोर लेन बन रहा है इसलिए ट्रैफिक जाम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंचने वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसी आप देख पा रहे होगे वो वाला, हाँ वही हम लोग जाने वाले। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा गेट, और पता नहीं एंट्री देगा कि नहीं देगा, फिर भी गेट तो खुला ही है। पूछते हैं, अगर एंट्री देता है तो जाके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है दिखाने लायक, ठीक है? तो चलिए। एंट्री ले लिए और टिकट पड़ा हमको 10 रुपये, सो जो कि काफ़ी सस्ता है। और ये है सुकाफा समन्या क्षेत्र, जो कि आसामीस में क्षेत्र बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल बता देता हूँ। यह है सुकाफा समन्या क्षेत्र जो कि जोरहाट और डेरगांव के बीचों बीच है मोहबंदा में, और ये हमारे आसाम के सबसे फर्स्ट अहोम किंग है। जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ, जो भी आसाम से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा सुकाफा के बारे में, जो आउटसाइड ऑफ आसाम रहते हैं उनको पता नहीं होगा खासकर, तो उनके लिए बता देता हूँ। ये है हमारे आसाम के फर्स्ट अहोम किंग और इनके मेमोरी पे ये बनाया गया है। पीछे आप एक म्यूजियम भी है, शायद म्यूजियम पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं रहेगा, फिर भी ट्राई करते हैं, पूछ से अगर वीडियोग्राफी अलाउ रहा तो दिखाऊंगा आप लोग को अंदर क्या क्या है। और बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे भी बड़े बड़े बिल्डिंग है, बट वो बिल्डिंग क्या है पता नहीं, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। जिसको हिस्ट्री पे इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है।
आप नॉलेज ले सकते हो अहोम किंग के, सबसे फर्स्ट अहोम किंग के बारे में। सो अभी हम म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं अलाउ करते हैं तो शूट करूंगा नहीं तो। एक्सपेक्टेड गाइस, म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, काउंटर पे हमारे फोन ले लिए गए थे। हम गए अंदर, वही राजा रानी के टाइम पे क्या करते थे, वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और शादी कैसे करते थे, मीटिंग वीटिंग कैसे करते थे, हथियार कौन सा इस्तेमाल करते थे लड़ाई करने के लिए, वो सब थे देखने लायक। बट फुल्ली इतना ज़्यादा मतलब अभी बनाया कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब देखने लायक अच्छी हो जाएगी। तो जो भी लाइक फर्स्ट टाइम अगर आप लोग जोरहाट आ रहे हो तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा सुकाफा समन्या क्षेत्र, बहुत ही अच्छी जगह है और जिनको हिस्ट्री पे इंटरेस्टेड है वो तो मस्ट विजिट आप, मैं बोल सकता हूँ। अगर आप लोग को अहोम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए हम हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा, जरूर बहुत ही अच्छी जगह है। हालांकि अभी हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 बज चुके हैं, तो फटाफट यहाँ से निकलते और घर पर जाना है हमें। घर तो नहीं जाऊँगा, शायद सिलोनी जाऊँगा, अभी भी मूड मतलब क्या बोल आप, इधर ना इधर ना उधर हो रहा है तो देखते। और फोटो तो हमने एक दो क्लिक किए सेल्फी, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अपलोड करूँगा कि नहीं करूँगा मेरे को पता नहीं है, तो देखते अगर अपलोड करता हो तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। चलिए निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि खुला रहेगा बट लक्की हूँ मैं तो खुला था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी भी बहुत ही अच्छी जगह है, मस्ट विजिट मैं कह सकता हूँ। तो गेट भी क्लोज होने को हो गया है तो फटाफट से यहाँ से निकलते। सो बाय बाय, गेट देख रहे हो कितना बड़ा है। और भाई गैस बैक टू गोलाघाट, सो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का साथ साथ साइड पर जो बेल आइकन उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज जो भी कर दे करो। और हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ सीधा सिलोनी जान, बट वो वाला ब्लॉग करूँगा नहीं, तो टिल देन मिलते हैं किसी वीडियो पे, बाय।